और बेटे क्या हाल चाल तुम्हारा भाई एकदम मस्त साक्षी। तो जनाब साहब अब तो दुआ साहब की वीडियो भी आ गई है और उस लड़के को मैंने देखा भाई, मैं कहा हिम्मत है उस लड़के की है नहीं, मतलब कहाँ लाहौर और कहाँ कराची। मोहब्बत के लिए तो बंदा अमेरिका भी चला जाता है वो तो मैंने सुना था, लेकिन लाहौर से कराची आज पहुँच गया लड़का है। बड़ी हिम्मत है भाई लड़के की। और जनाब साहब वीडियो मैंने देखी, लड़के से ज़्यादा हिम्मत लड़की में, शर्त लिखवा लो मेरे से भाई हैं। और ये मीमर जो है ना ये कहीं नहीं रुकते भाई, कैसे भी हालात हों चाहे मुल्क के कितने गंदे सियासी हालात हों, इस तरह के जनाब साहब किडनैपिंग वाले हालात के तो मीमर ने कहीं नहीं रुकना भाई हैं। कल मैं एक मीम देख रहा हुआ जनाब साहब करे कि भाई क्या हो गया है लाहौर के लड़कों को, कराची से लड़के लेके जा रहे हैं पंजाब में लेके जा रहे हैं कि कराची के लड़कों में दम खत्म हो गया। मैं कहा भाई जान दे ये बड्डे कराएगी औरत है, ये क्या करा रही थी। फिर जनाब साहब एक और मीम वायरल हो रहा है जनाब साहब कि रांची से एक लड़का भाग गया इस्लामाबाद, किडनैपिंग का केस कर दिया भाग जान उसके वालदैन ने कि किडनैप कर लिया हमारे बच्चों को। फिर जनाब साहब उसको तहकीकात करके जब पता किया जब वो जनाब साहब इस्लामाबाद पहुँचा खड़ा है और वो इस्लामाबाद में सिंगल ही है। नहीं मतलब ये मीम ना कहीं भी नहीं रुकते हैं, इनको जैसा मर्जी टॉपिक दे दो ये मीम बना के ही छोड़ेंगे हैं। इन्होंने जब मुल्क के सियासी हालात इतने ख़राब हो गए थे, इन्होंने जब अपनी छोटा था भाई इमरान खान नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के मीम बनाने ने छूटे थे, तो फिर ये तो फिर इस तरह के केसेस तो आराम से बाबा जी। नहीं मतलब इनको को होश आवाज़ कभी कभार ना मीम के वो दिमाग ख़राब हो जाए। और हिम्मत है उस लड़के की पापा जी हैं, जो इतनी कॉन्फिडेंस से जनाब साहब ये एक मीम बना रहा होता है। नहीं मतलब है तो ब्लैक मास की लेकिन इंजॉय बड़ा करते हैं लोग, किसी भी मर्जी टॉपिक पे बनाया हुआ मीम तो भाई इस टॉपिक में ना बनाया करें मीम। FIR वालों ने उल्टा सीधा कर दिया ना तो काम सीधा हो जाएगा आपका, ठीक है ना।